और धीमे लंबे श्वास छोड़ें। श्वास पर श्वास करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास बाहर निकालते हुए 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओंकारं बिन्दुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएंगे, आपस में रगड़ेंगे हाथों को, अपनी आंखों को लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलो। सभी को सादर प्रणाम। हम भागवत गीता पिछले लगभग 8 दिनों से पढ़ रहे हैं। हमने 13 चैप्टर कल कंप्लीट कर लिए थे, 14 चैप्टर की शुरुआत हमने किया था। और पहले मैं रिवीजन ले लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है, ठीक है? तो सभी लोग मैसेज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको जितना पता होगा मैसेज जरूर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गरिमा पांडे जी मुझे माइक खोल के बताएं, तुरंत माइक खोलना। देखिए, हाँ तुरंत खोलना। इस चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ मैं। बिल्कुल भी आप लोगों को ना कभी प्रोजेक्ट के लिए, कभी असाइनमेंट के लिए, कभी परेशान मैं नहीं करूंगा। बस आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप तुरंत माइक खोलिए और तुरंत आप मैसेज कीजिए, बस आपका काम इतना ही है। और नहीं पता हो तो तुरंत माइक खोल के ये भी बता दो कि सर सॉरी हमें नहीं पता, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी बच्चों का टाइम बच जाए। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखना है। भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। हाँ जी प्लीज। हाँ वेरी गुड, माइक बंद कर लीजिए अपना। जी सर। हाँ नकुल जी, नकुल जी जी मेरा क्वेश्चन है, नकुल जी किन्हीं 3 अध्यायों के नाम बताइए, बाकी मैसेज करें। नकुल प्रसाद लोनिया जी आप बताएं कि भागवत गीता में कुल अध्याय कितने हैं और उनके कुछ के नाम बताइए जितने आप बता सकते हो। 18 अध्याय है सर, नाम तो कंफर्म नहीं है। 2, 3, 4 कुछ तो नाम याद हुए होंगे ना, वो बताइए। नकुल जी कुछ तो याद हुआ होगा ना, 18 में से 2, 3, 1 तो याद होगा कोई अध्याय का नाम।
सॉरी सर, आज अभी तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं। ठीक है, कल आपसे मैं पूछूंगा सेम क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ के आना, ठीक है। बिल्कुल सर, 18 अध्याय का नाम बताऊंगा सर, वादा आपसे। ओके जी, प्रिया जी मुझे बताएंगी 18 चैप्टर के नेम। प्रिया जी आपको जितने चैप्टर के नेम पता हो मुझे बताइए, बाकी लोग मैसेज करें जी। सर माइक खोल के बताना, माइक खोल के बता दीजिए, अगर ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ में अगर कैमरा भी खुल जाए तो। अब वैसे कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कैमरा खोलना, अगर पॉसिबिलिटी है तो कैमरा खोल के आंसर करें, नहीं तो माइक खोल के आंसर करें जी। सर ऊपर नीचे चलेगा ऐसे है कि वन बाय वन ही बताना है? जी बताइए। हाँ सर ऊपर नीचे चलेगा ना नाम? हाँ जी, हाँ जी चलेगा, बताओ जी बताओ। सर सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास, कर्म संन्यास योग और मेडिटेशन, ध्यान योग। ध्यान योग के लिए आत्म आत्म करके कोई आत्म संयम योग, ठीक है, आत्म संयम योग, भक्ति योग और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और थे राज राजविधि राजग्रह योग, ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। विभूति योग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुणतर योग, वेरी गुड, विभाग योग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुरुषोत्तम योग, ठीक है, और श्राद्य श्राद्य श्रद्धा त्रय विभाग योग, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी कोशिश किया। हाँ जी बताओ। मोक्ष संन्यास योग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है। अब आप क्या काम करो, लिख लिख के सीक्वेंस भी सब लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जिसको 18 के 18 सीरीज में याद है बिना देखे? बिना देखे कैमरा खोल के आई कॉन्टेक्ट मेरे साथ करके कोई बता सकता है? माइक खोलिए, जो बिना कॉपी को देख के। हाँ जी माधवी जी, कैमरा खोल के 18 के 18 चैप्टर बताइए। कल बताऊंगी। अच्छा और कौन बता सकता है पूरी क्लास से? देखिए ऑनेस्टली, देखिए मैं क्वेश्चन ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टली कौन ऐसा है कि जो 18 के 18 चैप्टर बिना देखे बता सकता है? देखो प्रिया जी ने ट्राई किया ना, आप ट्राई तो करके तो देखो एक बार। हाँ जी भारती जी, जी प्लीज स्टार्ट करें। हेलो जी भारती जी, जी कैमरा भी ओपन करना है ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उधर करती हूँ ना। हाँ तुरंत करो जी, समय मत लो ज्यादा जी। आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए अपना। सर अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान संन्यास योग, अक्षर ब्रह्म योग, विभूति योग, आत्मस्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र योग, गुणत विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवाच्यु सर थोड़ा सा भूख रही हूँ, गुण विभाग योग, देवाच्यु विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। काफी अच्छी कोशिश थी, एक दो बीच में गलती हो गई आपसे, कोई बात नहीं। एनीवन क्लास में और कोई है जो 18? देखो कोशिश किया भारती जी ने, बहुत मुझे भी अच्छा लगा, और कौन कोशिश कर सकता है? एनीवन पूरी क्लास में? कोई भी नहीं है सर, इधर उधर चलेगा सर। जी माधवी जी स्टार्ट करो। हाँ जी चलिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म विज्ञान योग, सर सीक्वेंस बदले वाना प्लीज। कोई बात नहीं, आप बोल, आप बोलो बोलो। भक्ति योग, गुणत्रय विभाग योग, विभूति विस्तार योग और विश्वरूप दर्शन योग, मोक्ष संन्यास योग और
क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। ठीक है बस सर, मैं बिना देखे कोई बात नहीं, आपने करीब 9-10 बता दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरुणा जी बताएंगे। हाँ जी अरुणा जी बताइए सीक्वेंस में। सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है भैया। जी जी जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, गुणत्रय विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, विभूति योग योग, राजविद्या राजगुह्य योग, मोक्ष संन्यास योग, गुणत्रय विभाग योग, बस सर अभी इतना। कोई बात नहीं बहुत बढ़िया। कल मैं सेम क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा और फिर देखूंगा कि पूरी क्लास में से कौन बताएगा मुझे। ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन मेरा है, आप मुझे बताएंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, मुझे बताएंगे लोकेश्वर यादव जी। शॉर्ट में बताना ठीक है, चाहे आप 4 लाइन में बता दो, शॉर्ट में बताना मुझे ठीक है। बाकी लोग मैसेज करें, मैं मैसेज देख रहा हूँ, बोल नाम नहीं ले रहा लेकिन मैं देख सबके मैसेज रहा हूँ। लोकेश्वर यादव जी अपना माइक कैमरा ऑन करके आंसर करें। देखिए समय ज्यादा ना लीजिए प्लीज, तुरंत खोला करिए जी। जी जी स्टार्ट कीजिए। सर पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग का है सर, इसमें अर्जुन कैसे बोलूं, कंफ्यूज हो गए। कोई बात कोई बात नहीं। किरण शर्मा जी तुरंत अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। जी सर ये पहला चैप्टर सर अर्जुन विषाद योग, अर्जुन अर्जुन बोलता है सर कि सब मेरे अपने हैं, मैं इसे नहीं मार सकता करके उनके मन में एक दुविधा उत्पन्न होती सर, जिसे कृष्ण द्वारा उनको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सभी आप किसी का भी नंबर आ सकता है, सभी स्थिति में बैठ जाए कि कभी भी आपको कैमरा खोलना पड़ सकता है तो आप तुरंत खोल दे ठीक है। नेक्स्ट मेरा है सेकंड चैप्टर में क्या बताया गया है, मुझे बताएंगे खुशबू वर्मा जी। मैसेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। खुशबू जी बताएं। सर सेकंड चैप्टर हमारा सांख्य योग पर आधारित है। सांख्य योग में बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति मैनिफेस्ट होती है पुरुष में, नहीं नहीं किस तरह से प्रकृति मैनिफेस्ट होती है बुद्धि मनस अहम में, और कैसे पंच ज्ञान इंद्रियां आती हैं, कैसे पंच तनु मात्रा होती है। पंच तन मात्रा जैसे कि हमारा हो गया शब्द रस रूप गंध और स्पर्श ठीक है। और पंच तन मात्रा जब हमारे तमस गुण से मिलती है तो पंच ज्ञान इंद्रियां आती हैं। अध्याय सेकंड में किस बारे में चर्चा की गई है। हाँ, तो आप क्या बता रहे हो। हाँ आप क्या बता रहे हो। आई थिंक सर रुको रुको सर, सांख्य योग में ना आत्मा उसके बारे में है, स्थित प्रज्ञा है। हाँ अब आई लाइन पे अब बताओ। और सांख्य योग का अर्थ के बारे में बताया गया है इसमें, और स्थित प्रज्ञा है और एक आत्म तत्व भी है कुछ ऐसा। अच्छा अब श्योर नहीं हो है। सर मैंने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया था क्लास। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। स्नेहा राव जी मुझे बताइए। थैंक यू खुशबू जी, कोशिश आपने बहुत अच्छा किया। स्नेहा जी बताइए मुझे तुरंत। अध्याय 2 की बात कर रहे थे। हाँ होस्ट के तो कैमरा खोल लीजिए बताइए। जी जी सर जी सर। सर अध्याय 2 में सबसे पहले तो आत्मा के स्वरूप आत्मा विस्तार कैसे है, आत्मा
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, आत्मा तो अजर और अमर है, वो कभी मरती ही नहीं है, ना ही कोई उसे छेद सकता है, ना ही कोई शस्त्र से काट सकती है, ना ही कोई उसे मार सकता है, जला सकती है, क्या या कोई पानी उसे गीला कर सकता है, ना ही उसे सुखा सकता है। इस तरह से उन्होंने संपूर्ण आत्मा के स्वरूप को वर्णन अर्जुन से कहा कि आत्मा तो हमेशा ही रहती है, ये शरीर जो है हमारा वो वस्त्र की तरह उसे बदलता रहता है और हमेशा अपने कर्म फल के आधार पर वो नए नए शरीरों को धारण करती रहती है। इस तरह से उन्होंने पहले आत्मा को बताया सर। उसके बाद स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया है कि उनके लक्षण क्या होते हैं, कि वही जो होता है वो जो होता है कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, कि और एक योगी के रूप में जाना जाता है। उसके गुण क्या क्या होते हैं, वो किस तरह से स्थिर रहता है और किस तरह से वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह सभी बातों को जानते हुए सभी के साथ बर्ताव करता है, इन बातों का समावेश सर अध्याय दो में सांख्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड, थैंक यू। मैसेज में भी प्रेरणा जी, प्रिया जी, आशा जी, माधवी जी, अरुणा जी, भारती जी, बहुत अच्छा बताया कि इसमें मेनली तीन चीजें सबसे मेन है, आत्मा का स्वरूप, योग की परिभाषा और स्थित प्रज्ञा, ये सबसे मुख्य है इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड में क्या बताया गया है अब मुझे बताएंगे मंगला बोहरा जी। चैप्टर नंबर थर्ड में क्या बताया गया है मंगला जी, मुझे बताइए। हेलो विवेक, रेडियो। हेलो सर, मैं हमेशा 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैंने आगे वाले पढ़े ही नहीं। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ मैं हमेशा 18वां ही अध्याय पढ़ती हूँ, मैंने ये आगे वाले पढ़े ही नहीं। अच्छा, आप क्लास में आए थे क्या? नहीं, क्लास मैंने परसों अटेंड की थी, कल मुझे कुछ काम आ गया। अच्छा, था। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, ठीक है, बाकी बच्चों के नोट्स हाँ। पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, मुझे बताएंगी ज्योति पांडे जी, बताएं मुझे चैप्टर नंबर थर्ड में क्या बताया गया सर। कर्म योग के बारे में बताया गया है हमें। कैमरा भूल गए। ओके सर, अपने देखिए, सभी लोग पोजिशन में रहो, किसी का कभी भी नंबर आ सकता। देखो देखो आप कैसे खड़े हो, चलते हुए क्लास ले रहे हो। हाँ बताइए पोस्टर क्या है, मैंने क्या बताया था, कैसे कैमरा रखना है, आंखों के लेवल पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, देखो मुझे पता चल रहा है आप लोगों के, इसीलिए मैं कैमरा खुलवा रहा हूँ ताकि ये चीजें मैं पकड़ूं आपकी। आप लोग जब तक सिस्टमेटिकली बैठना नहीं सीखोगे तब तक आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो। ध्यान योग में समझाया ना चैप्टर नंबर 6 में, बैठने की क्या स्थिति होनी चाहिए, आसपास का क्या स्थिति होनी चाहिए, सेम ऐसा ही पढ़ाई के लिए भी इन्वायरमेंट चाहिए है। वो माहौल जब तक आप अपने अपने रूम में, अपने घर में नहीं बनाओगे, कोई कितना ही अच्छा से अच्छा टीचर पढ़ा ले, आप नहीं पढ़ सकते, इस चीज का आप ध्यान रखो, तो माहौल बहुत मायने रखता है जी। बताइए आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ज्योति जी बोलो जी। सर इसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है, हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए और हम अपने कर्म से ही आगे बढ़ सकते हैं, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। ठीक है, और कुछ? और कुछ कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। चलो काफी अच्छी कोशिश की आपने, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया गया है मुझे बताएंगे गौरी यादव जी। मैसेज में वर्षा जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, खुशबू जी बहुत बढ़िया, स्नेहा जी बहुत बढ़िया जी, गौरी जी प्लीज बताइए। सर आवाज आ रहा है? आ रही है आपकी आवाज, बहुत अच्छे से आ रही है, बताइए। सर चौथे चैप्टर में ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताया गया है कि हम किस प्रकार ज्ञानी भक्त बनकर कर्म करते जाएं और मोह में ना फंसकर कर्म करें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि कोई तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, वो मर रहे हैं तो वो तुम्हारा कर्म है, अगर वो धर्म से भटक कर गलती कर रहे हैं तो उसे तुम मारो, क्योंकि वो धर्म के मतलब विपरीत है, इसलिए आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और इसमें ज्ञान जुड़ा हुआ है, मतलब इस अध्याय में ज्ञान के साथ कर्म करने को बताया गया। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश की आपने, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 4 में लेकिन एक सबसे विशेष चीज आपने पकड़ी ही नहीं, जो सबसे स्टार्टिंग में ही थी। अरे रुको माधवी जी, संयम रखो, संयम रखो। हाँ बताइए गौरी जी, कुछ समझ आए? माधवी जी ने देखो बता भी दिया, अब तो बता दो सर। योग की परंपरा, हाँ थैंक यू माधवी मैम, योग की परंपरा के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसको मैंने आपको कई जन्मों में भी बताया है। तो उसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले भगवान सूर्य को, सूर्य देव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, मनु को, और मनु ने अपने पुत्र, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को, और राज ऋषियों के बाद बीच में मतलब सही लेवल पे ना जाने के कारण वो भटक गया था, उसके बाद फिर ऋषियों द्वारा हम तक फिर से पहुंच गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा प्राणायाम के बारे में क्या बताया इसमें? हाँ सर, प्राण और अपान के योग को प्राणायाम कहा गया है। इसमें प्राणायाम मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत की, इसमें प्राणायाम की चर्चा सिर्फ प्राण और अपान के बारे में बताया गया है, इसमें किसी भी प्राणायाम की या आसन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। प्राण और अपान के योग को ही प्राणायाम बताया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चैप्टर नंबर 5 में क्या बताया गया है मुझे माधवी जी बताएं। सर चैप्टर नंबर 5 में कर्म और त्याग के बारे में बताया है कि अर्जुन को ये भ्रमित था कि वो सोचते थे कि युद्ध ज्ञान और युद्ध विरोधी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्मों के साथ संलग्न होकर मोक्ष पाने के बारे में बताते हैं, कर्म से अलग हट के त्याग के बारे में नहीं वो कर सकते हैं। और भगवान जो है एक योगी के लक्षण बताकर उनको अध्याय को विस्तृत रूप से समझाते हैं कि एक योगी के कैसे क्या क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुख्यतः संन्यास के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में क्या बताया गया है मुझे बताएंगे वर्षा वाधवानी जी। वर्षा जी आप मैसेज भी बहुत अच्छा करते हो मैं देखता हूँ जी। वर्षा जी प्लीज बताइए अपना कैमरा खोल के, चैप्टर नंबर 6 में क्या बताया गया। सर मैं कैमरा तो ओपन नहीं कर सकती सर, मैं बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। सर 6 चैप्टर में ये ध्यान योग के बारे में बताया गया है कि हमें ध्यान कैसा लगाना चाहिए। सर सबसे पहले के टाइम में जो साधु हुआ करते थे वो मृग की छाल बिछाकर करते थे, सबसे पहले घास की अवस्था होती थी और फिर मृग की छाल और सबसे ऊपर वो वस्त्र बिछाते थे एक पतला सा। और अभी के जो इसमें दिया हुआ है वो शारीरिक स्थिति इसमें होनी चाहिए कि पहले काया, सिर और गर्दन ये सीधी होनी चाहिए और हमारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर होना चाहिए, आंखें बंद करके हमें ईश्वर का, हमें परमात्मा का ध्यान लगाना है। और कई ऐसे होते हैं कि आंखें तो बंद कर लेते हैं बट ध्यान नहीं जाता उनका, संसारिक मोह माया में उनका ध्यान विचरण करते रहता है, बट ध्यान हमेशा हमको ईश्वर में ही लगाना है ध्यान इसमें। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आपने अच्छा बताया। मेन इसमें ध्यान योग की चर्चा मिलेगी और योगारूढ़ साधक के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया गया है? मैसेज क्या हो गया, कम आने लग गए मैं देख रहा हूँ। मैसेज करो भैया, मैं सबके मैसेज रीड कर रहा हूँ। नवदिता तिवारी जी मुझे बताएं चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया गया है। अरे नवदिता जी लेफ्ट हो गई है, कोई बात नहीं। तो मुझे नीलू सोनी जी मुझे बताइए चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया गया। नीलू सोनी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कैमरा खोल के आंसर करें जी। जी सर, तब वो इस चैप्टर में ये बताया गया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सारे परम सत्य और अल्टीमेट आखिरी जो होता है वो मैं ही हूँ, और जो ज्ञानी वाले, ज्ञानी और भक्ति करने वाले लोग होते हैं
वो भक्ति करके मुझे प्राप्त करते हैं, और इनकी भक्ति जो होती है वो दिखावा वाली या आडंबर वाली नहीं होती है, और जो इससे भटक जाते हैं, जो मुझे वास्तव में नहीं समझ पाते हैं, वो लोग आडंबर करते हैं और दिखावा करते हैं, और एक तरह से वो भटक जाते हैं और मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सर यही बताया है मेरे अकॉर्डिंग, भक्त के प्रकार भी बताए हैं, वो भी बता दीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ सर, वो भक्त के प्रकार भी बताए हैं, आरती आरती अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। चारों भक्त को सर, चारों भक्तों को एक एक लाइन में बता दीजिए। जी, आरती भक्त वो होते हैं जिनके लिए जो सबसे लास्ट में ईश्वर को याद करते हैं, जैसे कि द्रौपदी ने याद किया था। अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जो किसी प्रयोजन के लिए ईश्वर को याद करते हैं, जैसे कि हम और आप आज के समय के लोग हैं, इसी तरह के भक्ति करते हैं। और उसके बाद फिर आता है आपका जिज्ञासु भक्त, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता है, इसका सिर्फ ये रहता है कि मुझे ईश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। तो और इसमें उदाहरण दूं तो हमारे कई जो ऋषि मुनि महात्मा संत लोग हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। और सबसे आखिरी होते हैं ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो ज्ञान की पराकाष्ठा तक जाते हैं, और उसी ज्ञान को प्राप्त करते हुए उसको ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बनाते हैं, ये ज्ञानी भक्त होते हैं। वेरी गुड, बहुत तत्वों को जानकर ईश्वर तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया नीलू जी, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया गया है मुझे शशि किरण साहू जी बताएं। नवदीता मैडम रह गई है, नवदीता मैम इसके बाद पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। शशि किरण साहू जी चैप्टर नंबर 8 का मुझे बताइए। शशि जी मैं देखता हूँ आप एक दो दिन से अपना माइक नहीं खोलती है, क्या बात है? कोई बात नहीं, मत खोलो, मेरी नजरों में आप लोग आ रहे हो, कौन खोलता है कौन नहीं खोलता। जी नवदीता मैम आप बताइए। अक्षर पर सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज, बताइए मैम, बताइए। अक्षर पर ब्रह्म योग में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी है मेरे ही से सारा कुछ उत्पन्न हुआ है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, और सभी मुझसे निकले हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। तो उन्होंने मतलब अल्टीमेट नॉलेज को बताया है और अल्टीमेट फैक्ट को बताया है इसमें। ठीक है, एक दो चीज और विशेष बताई गई है। आपने पकड़ा नहीं उसको, एक दो चीज जो विशेष बताई गई थी। आरंभ से ही मुझे जपते रहते हैं, मतलब मेरे भाव में रहते हैं, फिर कुछ लोग मृत्यु के समय में ही मुझे याद, संसार में पापी जैसा भी रहे यदि वो अंत समय में मुझे याद कर ले तब भी उसको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, वो एक तरीका भी बताया, क्या तरीका बताया अंतिम समय में? में मेरा नाम याद कर ले, अक्षर पर ब्रह्म। नाम क्या हुआ भगवान का? ओम, ओमकार। वेरी गुड, ठीक है, यही चीज थी इसमें मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चैप्टर नंबर 9 में क्या बताया गया है? 9 में अंकिता अग्रवाल जी मुझे बताएं। बाकी लोग मैसेज करते रहो, मैं देख रहा हूँ कितने लोग जल्दी आंसर करते हैं मैसेज में। सर इस योग में बताते, इसमें बताते हैं कि इस योग में इस तरह के हमको परम ब्रह्म ज्ञान से रूबरू होना पड़ता है। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए राज विद्या, ये राजगुहा योग का ध्यान करना चाहिए, और इसी से हर बंधन, इस ध्यान योग को करने से हम हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सर ऐसा कुछ है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी कई, जैसे कि वहाँ पे कि भगवान जो है मुझे किसी भी तरीके से पुष्प भी अर्पण करे, प्रणाम करे, मुझे कोई धनमाय नहीं चाहिए, इस तरीके से भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। बहुत बढ़िया अंकिता जी, काफी अच्छी कोशिश की आपने। अभी और पढ़ना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में अर्पित मिश्रा जी, कैमरा खोल के माइक खोल के मुझे आंसर करें।
अर्पित मिश्रा जी, अर्पित जी बताइए जी, कैमरा खोल के आंसर कीजिए। सर इसमें विभूतियों के बारे में बताया गया है कि हम कितनी विभूतियां होती हैं। अर्पित जी बताइए बताइए सर, इसमें कितनी विभूतियों के बारे में बताया गया है कि इसमें कितनी विभूतियां होती हैं। हाँ जी, और विभूतियों के कुछ नाम बताइए, कुछ विभूतियों के। उस दिन माधवी जी ने भी कितने अच्छे से बताया था, आप भी बताओ। 50 में से 2-3 तो याद होंगे ना आपको कम से कम। यस सर, इन मन ओमकार राजा। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा प्रयास अच्छा आपका, वेरी गुड। गंगा, ठीक है वेरी गुड। गायत्री, ठीक है प्रचाल, थोड़ा वेरी गुड। कुबेर, सूर्य, आत्मा, चेतना, अग्नि, शंकर, विष्णु, कपिल मुनि, वेद व्यास। और ठीक है, आपने ये तो बता दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसको पूरा बताना है कि जैसे कि मैं ऋषियों में वेद व्यास हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, पूरा बताना है। आपने पीपल ऐसे ये तो बता दिया, लेकिन पहले वाला भी बताना किन में है। ठीक है, कोशिश आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। तो अरुणा जी मुझे बताए सेम क्वेश्चन। हाँ सर बता रही हूँ, इसमें विभूतियों के बारे में बताए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, पेड़ों में, पक्षियों में, और कपिल मुनि में, कपिल मुनि श्रेष्ठ भगवान मैं ही हूँ, और हिमालय में सबसे बड़े पर्वत के समान ईश्वर मैं ही, वो मैं ही हूँ, इंद्र में, मन में मैं ही बसा हूँ, इस तरह से सब जगह। और कवियों में शुक्राचार्य, कवियों में मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, और बस सर। बहुत बढ़िया, बहुत आप ही काफी अच्छी कोशिश की आपने, बाकी लोग याद कर लेना। ठीक है ऐसे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा मानस साहू जी से है, आप मुझे चैप्टर नंबर 11 के बारे में बताइए। मानस साहू जी बताइए, मैसेज में अंकिता जी बहुत अच्छा कर रही है, खुशबू जी वेरी गुड, आप मैसेज करो मैं देख रहा हूँ, नवदीता जी वेरी गुड जी, मानस जी बताइए। में विराट रूप के बारे में बताया गया है, जब अर्जुन श्री कृष्ण से विराट रूप का दर्शन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, यहाँ तो ब्रह्मांड में जो जितने भी जीव आत्माएं हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी चार अचर जीव है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बोलते हैं दिखाई दे रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं देख के, उनमें घबराहट आ जाती है। तब वो कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण, इसमें यहाँ तो आदि अंत है आपके इस विराट रूप पे, और जब वो सारे जितने भी वो कल्पना करते जाते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी जीवों की कल्पना करते हैं उनके विराट रूप पे दिखाई देने लगते हैं, तब वो अचानक उनका ध्यान जाता है, तो वहीं पे वे उनके जो गुरुजन और जो भीष्म पितामह हैं मूर्छित रूप में दिखते हैं, तब वो कहते हैं कि वो विचलित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आप अपना कार्य कीजिए, हे अर्जुन, हे पार्थ, आप अपना कार्य कीजिए, क्योंकि ये जो जिन्हें आप मारने जा रहे हैं उन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, या तो केवल आपको अपने कर्म करने हैं ताकि आप ऐश्वर्य प्राप्त कर सके, उन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, आप उसे नहीं मारेंगे, वो तो आप उनके शरीर को मारोगे, उन्हें तो मैंने पहले ही मार चुका, मैं तो उन्हें पहले ही मार चुका हूँ, आप मार आए या ना मारे, इस युद्ध में आप पांचों पांडवों के छोड़ बाकी सारे आपके कौरव जो बंधु हैं
आपके गुरुजन है सभी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हे अर्जुन आप अपना कर्म कीजिए। बहुत बढ़िया, आप विशेषता बताइए विराट स्वरूप की। विराट स्वरूप में इसमें आदि से अंत तक जितने सैकड़ों अगर सूर्य का प्रकाश विद्यमान हो इतने भी उससे कहीं अधिक प्रकाशमय था। उसमें ब्रह्मांड के जितने भी जीव चर विचर जो जीव थे वो दिखाई दे रहे थे। इसमें ऋषियों में गंगा, नदियों में गंगा, और एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने अपनी तरफ से बताया। कुछ कमियां रह गई हैं, नेक्स्ट टाइम वो कमियां दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वो मैसेज तो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मंगला जी, नकुल जी, भारती जी, प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया मैसेज तो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में क्या बताया गया है मुझे अवजीत दास जी मुझे बताएंगे। मानस साहू जी आप अपना कैमरा माइक बंद कर सकते हैं। अवजीत दास जी मुझे बताइए चैप्टर नंबर 12 में क्या बताया गया है। अजीत दास जी हैं आप यहाँ पे, बताइए। सर भक्ति योग के बारे में बताया गया है। हाँ थोड़ा बताइए भक्ति योग क्या होता है। ओ भक्ति योग के बारे में मतलब उसके उसमें साकार और निराकार, साकार और निराकार का बारे में बताया गया है। मतलब भगवान को जो स्वरूप दिखाया है उसको साकार, और खाली से प्रकाश स्वरूप को जो मानता है उसको निराकार कहते हैं। और जैसे वेद का अंतर अंदर निराकार परमात्मा का ही वर्णन है, और उपनिषद में थोड़ा सा है, और पुराण में साकार का वर्णन है। काफी अच्छा प्रयास रहा, थोड़ा और अच्छा बताया जा सकता है इसको। और भक्त का जो प्रकार है इसी में आएगा, प्रकार तो 7 चैप्टर में आ गया, उसकी विशेषताएं आएंगी यहाँ पे, विशेषताएं बताइए। और जो तामसी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हेमलता वर्मा जी से। हेमलता जी आप मुझे बताएंगे चैप्टर नंबर 13 में क्या बताया गया है। कैमरा खोल के आंसर करें। हाँ जी कैमरा खोल के अपना आंसर करें। सर कैमरा नहीं खोल। जी कोई बात नहीं, बताइए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, ठीक है, कुछ 2-3 लाइनें बताइए इसके बारे में मुझे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। ज्ञान का क्षेत्र के बारे में बताया गया है, प्रकृति के स्वरूप के बारे में। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है ये मुझे, मैंने खाली इतना ही बताया था, मुझे खुद भी पता है, इतना तो बता सकते हो आप ना एक एक शब्द। देखो मैसेज कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप बताओ। हेमलता जी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, मैंने नोटिस कर लिया है 2-3 बच्चे जो थोड़ा सा गड़बड़ में चल रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ हेमलता जी, ठीक है जी। नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन मेरा है, सेम क्वेश्चन मुझे बताएंगे गौरी यादव जी। यस सर जी, बताइए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है 13 चैप्टर में, इसमें जो क्षेत्र बताया गया है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, इसमें ये जो हमारा जो पूरा शरीर है वो क्षेत्र है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मतलब एक एक क्षेत्र एक एक विभाग के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको यो मतलब उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के एक एक शरीर के एक एक अंग के बारे में जो ज्ञान है, जैसे हमारे 11 इंद्रियां हैं उनका ज्ञान है,
कि उनके क्या काम है, वो क्या उनसे वो कैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है, वो कैसे कार्य करते हैं, इन्हीं के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया और वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चैप्टर नंबर 14 में क्या बताया गया है मुझे बताएंगे। चैप्टर नंबर 14 का प्रेरणा जी बताएंगे मुझे, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे फिर। इसमें तीन गुणों के बारे में बताया गया है, सत्तश और रजस और तमश के बारे में। ये सत्तश जो होता है, सत्तश्व गुण जो होता है, जो क्या बोलते हैं, सात्विक जो गुण होती है, मीन्स अच्छे कर्म करने वालों के होते हैं। और तमस जो है चंचल करते हैं वो होती है। और तमस जो है आलसी लोग करते हैं वो होता है, जो पाप कर्म करते हैं तमस। और राजसिक जो है चंचल लोग जो करते हैं, राजा महाराजा जो लोग करते हैं, उसे रजस गुण कहते हैं। बहुत अच्छा बताया।